हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के बारे में डेविड रिकार्डो एक इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट 1817 में सबसे पहले एक थ्योरी को डेवलप किया उन्होंने जिन्होंने ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक रेंट को एक्सप्लेन किया रिकार्डो ने इकोनॉमिक और रेंट का यूज किया एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए नेपोलियन वार जो कि 1805 से 1815 तक चली तो कॉर्न और लैंड प्राइज जो है वो बढ़ गए तो रिकॉर्डो ने डिफाइन किया रेंट को एज दैट पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ द सोइल। यानी कि अकॉर्डिंग टू हिस्स थ्योरी जो रेंट है इट्स नथिंग बट ये प्रोड्यूजर के डिफ्रेंशियल गेन को कहते हैं इसके एक्जम्पशंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है सॉइल की फर्टिलिटी में डिफरेंसेस की वजह से रेंट का एराइज़ हो जाना जैसे कि लैंड के अलग अलग प्लॉट्स में फर्टिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है टोटल कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन हर एक लैंड के प्लॉट की सेम रहती है नन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन अदर दैन लैंड अर्न रेंट लेकिन बाद में मॉडर्न इकोनॉमिक्ट इससे डिसएग्री हुए अब वो लैंड जिस पर कोई भी रेंट अर्न ना किया जाए उसे मार्जिन लैंड कहते हैं और इसकी लास्ट लास्टन है कि कि टोटल कॉस्ट जो हर एक पीस ऑफ लैंड पर स्पेंड so वो हाइएस्ट रेंट के लिए अट्रैक्टेड होगी और जो मार्जिनल लैंड होगी वो हाइएस्ट रेंट अट्रैक्ट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट दो रिसोर्सिस में अराइज होता है फर्स्ट है

इसकी कोई ट्रांसफर अर्निंग नहीं होती इस तरह ये एक हाई प्राइस ही था कॉर्न का जिसकी वजह से वो लैंड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई ना कि लैंड प्राइस ने प्राइज ऑफ कॉर्न को राइज किया फिर भी ये जो एनालिसिस है ये उस एक्जम्प्शन पर डिपेंड करती है कि लैंड हैज़ ओनली वन यूज अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो लैंड के एक पर्टिकुलर पीस को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है इसका मतलब कि इसकी सप्लाई किसी भी एक यूज के लिए इलास्टिक होती है ताकि इसके ट्रांसफर अर्निंग हो ये था सिक्योरिटी रेंट अब डिफरेंशियल रेंट के बारे में पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेंट ऑफ लैंड अराइज हो जाता है क्योंकि अलग अलग प्लॉट्स की अलग अलग प्रोडक्टिव पावर की डिग्री होती है कुछ लैंड्स ज्यादा फर्टाइल होती हैं देन अदर्स इसीलिए लैंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स की होती है अब देखिए सुपीरियर लैंड और इन्फीरियर लैंड में प्रोड्यूस के डिफरेंसेस को डिफरेंशियल लैंड कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्रोड्यूस ऑफ द सुपीरियर लैंड एंड दैट ऑफ द इन्फीरियर लैंड इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल रेंट अब इस थ्योरी यानी कि रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं देखिए रिकार्डो ने कहा था कि सबसे पहले कल्टीवेशन जो है वो बेस्ट लैंड में होती है लेकिन कोई हिस्टोरिक प्रूफ नहीं है इसके लिए दूसरा रिकार्डो ने कहा फर्टिलिटी को देखा जाए तो लैंड की, की जाती है तो लैंड की फर्टिलिटी उतनी नहीं रहती इसके अकॉर्डिंग रेंट नॉट एंटर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड इन इट बट रेंट जो है अगर एक सिंगल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एंटर हो सकता है प्राइस में थ्योरी परफेक्ट कंपटीशन पर बेस्ड है एक परफेक्ट कंपटीशन में एक चीज के लिए एक ही प्राइस होता है बट इन द रियल वर्ल्ड कंपटीशन जो है वो इम होता है ये कुछ क्रिटिसिज्म थे रिकार्डियन थ्योरी के बारे में आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय